और दीगर खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद में पीडब्ल्यूडी वर्कर्स एहतजाज, मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और आंसू गैस की शैलिंग की गई। मुतअद्दिद पीडब्ल्यू वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए रोड को क्लियर करवा लिया। पुलिस और पीडब्ल्यूडी वर्कर एक बार फिर आमने सामने आ गए। आपको बताएं, कल से जो है वो सरीना जो चौक है उससे करीब ही श्रीनगर हाईवे पर पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जारी था, उनको पीछे धकेल दिया गया और इस वक्त श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी गई थी। कल से आज पुलिस की जानिब से रोड क्लियर कराने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एहसान बुखारी मजीद बताएंगे। एहसान, आगाह कीजिएगा। जी, ये आज पीडब्ल्यूडी ने दोबारा एहतजाज शुरू किया हुआ था। कल इनके मुजाकरात हुए थे और 8 घंटे तक कल भी रोड ब्लॉक रहा और आज पुलिस ने इनको पीडब्ल्यूडी ऑफिस से बाहर नहीं निकलने दिया। फिर इनको कहा गया कि आप एहतजाज वहां पे करें दफ्तर के सामने। अभी सुबह से ये एहतजाज जारी था तो इनके मुजाकरात नाकाम हुए, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस चलाते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार भी जख्मी हुए और अभी भी शेलिंग जारी है। सही। अच्छा एहसान, ये भी बताया गया कल मुजाकरात का पहला दौर हुआ वो नाकाम रहा, अभी क्या मजीद मुजाकरात होने हैं मुलाजमीन के साथ? जी, मुजाकरात इन्होंने मुतालबा किया था कि हमारा वफाकी वजीर हाउसिंग से, वजीर खजाना से बातचीत करवाई जाए, जिस पर इनसे मुआहदा हो गया था, लेकिन आज मुआहदा इन्होंने दोबारा मुअत्तल हो गया। पुलिस ने कोई इनसे बात नहीं सुनी, जिस पर इन्होंने आज दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया और ये एहतजाज सुबह से जारी है और अब ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है और पुलिस अभी शेलिंग कर रही है। बहुत शुक्रिया एहसान बुखारी, आगाह करेंगे।